मूवी स्टार्ट होता है, कुछ दोस्तों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। बातों ही बातों में हेली और ग्रैंड की बात होता है, जिससे ग्रैंड यहाँ से ड्रिंक लेने के बहाने यहाँ से मेंशन में चला जाता है। ये मेंशन एक दिन के लिए रेंट पे लिया गया है। इधर हेली बाकी दोस्तों को कहती है हेली और ग्रैंड की हाल ही में ब्रेकअप हो गया। थोड़ी देर में बाकी दोस्त लोग भी मेंशन में आ जाता है। ड्रिंक खत्म हो जाने की वजह से ये लोग आकर ड्रिंक ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते एक ताला लगा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। इसमें एक कीप आउट का बोर्ड लगा हुआ था। फिर भी लुकस दरवाजा तोड़ के इसके अंदर जाता है। इसके अंदर पुराने जमाने का एस्ट्रोलॉजी का सामान रखा हुआ था। तभी पैक्सटन के हाथ में टैरो कार्ड्स मिलता है। सब लोग हेली को सबका हॉरोस्कोप पढ़ने को कहते हैं। पहले तो हेली ये सब करने को मना करती है, क्योंकि हेली को एहसास हो जाता है ये किसी मुसीबत का संकेत है। खैर, फिर भी एलिस के बात पे हेली मान जाती है, क्योंकि आज एलिस की बर्थडे है। अब पहला हॉरोस्कोप पढ़ती है एलिस की। उसका फाइनल टैरो कार्ड आता है द हाई प्रिस्टेस। हेली उससे कहती है अपनी कामयाबी की सीढ़ी सोच समझ कर चलो, अपना रफ्तार को धीमी करो वरना मौके पर गिरोगे। अब अगला बारी आता है मेडलिन की। उसका टैरो कार्ड द हैंगमैन। हेली उसे कहती है हो सकता है टेक्नोलॉजी अपने आप काम करना बंद कर दे, लेकिन मुश्किलों से मत भागना, उसका सामना करना। अब अगला बारी आता है पेज का। उसका टैरो कार्ड आता है मैजिशियन। हेली उसे कहती है तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें कोई दोनों दिशाओं में खींच रहा है, तुम्हें चीजें साफ नजर नहीं आएगी। मैजिशियन की हर चाल धोखे से बनी होगी, तुम सच नहीं देख पाओगे। अब अगला बारी आता है पैक्सटन की। उसका टैरो कार्ड तब फूल आता है। हेली उसे कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम किसी बॉक्स में बंद हो तो घबराना मत, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है, और जब तुम्हारे दोस्तों की जरूरत होगी तब तुम कहीं से भी आ जाओगे। अब अगला बारी आता है लुकस की। उसका टैरो कार्ड आता है द हर्मिट। हेली उसे कहती है तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, तुम अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, हर एक कदम सोच समझ के लेना, हर्मिट के लाइफ तुम्हें रॉन्ग ट्रैक में ले जा सकता है। अब अगला बारी आता है ग्रैंड की। उसका टैरो कार्ड आता है द डेविल। हेली उसे कहती है तुम्हारा सामना कुछ शैतानों से होगा, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी या किसी अपने को खोना होगा। ग्रैंड इस सब बात को बकवास कहता है और हेली को अपना हॉरोस्कोप पढ़ने को कहता है। अब हेली अपना हॉरोस्कोप पढ़ती है। उसका टैरो कार्ड आता है डेथ, मतलब किसी चीज का अंत या शुरुआत। अगले दिन ये लोग यहाँ से चला जाता है और लुकस अपने बाकी दोस्तों को बता रहा था वो पैसा जीता है। इसके बाद एलिस अपने हॉस्टल जाती है। थोड़ी देर बाद एलिस को आवाज आती है, वो जाके देखती है एटिक से सीढ़ियां निकला हुआ था। पहले तो एलिस अपने कुछ दोस्तों का नाम लेती है, शायद वो लोग ऐसा किया होगा। इसके बाद एलिस एटिक में जाती, उसके आसपास बहुत सारा कैंडल जला हुआ था और अचानक से द हाई प्रिस्टेस आके उसे डराती है, जिससे सीढ़ियों से गिर जाती है। वो प्रिस्टेस एलिस के ऊपर बार बार सीढ़ियों से हमला करती है, जिससे एलिस की वहां पर ही मौत हो जाता है। जैसा कि हेली ने टैरो रीडिंग में बोली थी, सीढ़ी सोच समझ के चलना, अपना रफ्तार धीमी रखना वरना मौके पर गिरोगे। अगले दिन ये खबर सुन के बाकी दोस्त एक साथ होता है। आज रात हेली पेज के पास रुकती है। लुकस मेडलिन को उसके घर छोड़ के जा रहा था। उसका टैरो कार्ड का द हर्मिट उसका पीछा कर रहा था। लुकस वापस जाने के लिए स्टेशन में आता है। हर्मिट का लाइट पड़ते ही वो रॉन्ग ट्रैक में चला जाता है और अचानक से एक ट्रेन आके ठोक देता है, जिससे ये भी टैरो रीडिंग सच हो जाता है। जैसे कि हर्मिट के लाइट तुम्हें रॉन्ग ट्रैक में ले जा सकते, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वो पैसा भी जीता था। अगले दिन हेली सबको बताती है जो हॉरोस्कोप पढ़ा था वो सच हो रहा है। मदद के लिए ये लोग इंटरनेट का सहारा लेता है। अल्मा एस्टम नाम की एक औरत की बहुत सारा आर्टिकल था, जो एक एस्ट्रोलॉजर है। अब वो ही इन सबको मदद कर सकती है। अल्मा से मिलने ये लोग उसका घर जाती है। अल्मा उन्हें यहाँ से जाने कहती है। हेली उन्हें सब कुछ बताती है। टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप पढ़ने की वजह से उसका दो दोस्त मर गया, इसे अल्मा इस टैरो कार्ड के बारे में कहती है। वो अपने दोस्तों के साथ गई थी घूमने। टैरो कार्ड से हॉरोस्कोप पढ़ने की वजह से उसका बाकी सब दोस्त मर गया सिवाय मेरे, क्योंकि मैं अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ी थी।
जब मुझे समझ में आया इन सब के पीछे ये कार्ड्स है, तब तक बहुत देर हो चुका था। मैं उन्हें तब से ढूंढ रही हूँ। ये श्रापित टैरो कार्ड्स को ख़त्म करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर की फ़ोटो दिखा के कहती है, 1798 में राजा की बीवी प्रेग्नेंट थी। राजा की पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी। वो हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसका टैरो रीडिंग की थी जिसमें राजा की बीवी बच्चा मरने वाला है। राजा ने टैरो रीडिंग बदलने को कहा। बार बार टैरो रीडिंग में बार बार डेथ कार्ड आता है, जिससे गुस्सा होकर राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर को घर से निकाल दिया। इसके बाद ऐसा ही हुआ जैसा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने कही थी। उस एस्ट्रोलॉजर पे जादू टोना का इल्जाम लगा, उसकी बेटी को मार दिया। उस राजा से बदला लेने के लिए उसने बहुत पढ़ाई किया, उसने काला जादू सीखा, अपनी आत्मा उस कार्ड्स के साथ बांध दिया। उसने उस राजा को तो मार दिया और उस कार्ड्स को श्राप दिया। जो भी उस कार्ड से अपना हॉरोस्कोप पढ़ता है वो मरा जाता है, मतलब ये लोग भी श्रापित हो चुका है। इससे बचने के लिए अल्मा इन्हें उस कार्ड्स को नष्ट करने को कहती है। उस मेंशन में जाते टाइम उनका कार अचानक से रुक जाता है। तभी वहाँ पर द हैंगमैन आता है। मेडलिन डर के वहाँ से भाग रही थी। हैंगमैन उसे गले में रस्सी डाल के मार देता है, जैसे कि हेली ने मेडलिन को मुसीबत से भागने से मना किया था। मुसीबत का सामना ना करके भाग रही थी, जिससे वो मारी गई। इधर पैक्सटन इन सब से गुस्सा होके यहाँ से चला जाता है। इधर पैक्सटन का पीछा करते करते तब फूल आता है। वो उसे डरा रहा था। पैक्सटन एक लिफ्ट में बंद हो रखा था, जैसा कि हेली ने टेरो रीडिंग की थी। इधर हेली, ग्रैंड पेज और तीनों उस मेंशन में जाके उस कार्ड्स को आग में फेंकता है, लेकिन वो कार्ड्स जलता नहीं। तभी वहाँ पर अल्मा आती है, कुछ रिचुअल्स करती है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर अल्मा का टैरो रीडिंग कर देती है और इससे अल्मा की मौत हो जाता है। वो सब भागते भागते अलग हो जाता है। इधर पेज एक मैजिशियन को देखती है और वहाँ पर अजीब सा लोग अनजाने में एक बॉक्स में घुस जाती है। मैजिशियन उस बॉक्स में पेज को काट देता है, जिससे वो मर जाती है। इधर हेली ठीक करती है, उस एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ के उसे ख़त्म करेगी। तभी वहाँ पर डेविल आके ग्रैंड को ले जाता है। ग्रैंड उस डेविल का सामना करता है। इधर हेली उस एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप पढ़ती है, उसका टैरो कार्ड आता है डेथ। वो हेली को अपने साथ ले आके हेली को बचा लेता है। हेली का भी टैरो कार्ड डेथ आया था, मतलब किसी चीज़ का अंत और किसी चीज़ का शुरुआत। मतलब उस एस्ट्रोलॉजर का अंत हो जाता है, ग्रैंड और हेली फिर से मिल जाता है। रास्ते में जाते टाइम पैक्सटन कार लेके आता है, मतलब पैक्सटन दरअसल तब उसका रूममेट आया, इसकी वजह से वो गायब हो गया और ये बच गया। और इसी तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है।